मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे मुल्क के अंदर जो इंतहा पसंदी है वो मदरसों की वजह से नहीं आई, स्कूल और कॉलेजेस की वजह से आई है। खैर, मैं इससे इतफाक तो नहीं करता, मैं कहता हूँ मदरसों की वजह से भी इंतहा पसंदी आई। चौधरी ने एक बयान दिया है लाहौर में कि पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेज भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे पाकिस्तान में जो एक इस्लाम का नया पागलपन आया है उसको लेकर, और दूसरे धर्मों के प्रति जो एक एक्स्ट्रा नफरत पैदा हुई है और इस्लाम को सुपीरियर और ये सब बताने की कोशिश की गई है। आपको ये बता दूं कि फवाद चौधरी काफ़ी सेंसिबल बंदा हुआ करता था जब तक इसने पीटीआई ज्वाइन नहीं की थी, और इसके पुराने इंटरव्यू पढ़े जिसमें काफ़ी एक्सपोज करता रहा है कि पाकिस्तान की स्कूल बुक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, यहूदी हिंदू क्रिश्चियन ईसाई सिख इनके बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको अगर देखना है तो आप टाइप करें पाकिस्तानी स्कूल बुक्स, आपको वीडियोस मिल जाएंगे पाकिस्तान की स्कूल बुक में, स्पेशली हिंदू उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, फिर सिख भी आ जाते हैं, फिर क्रिश्चियन भी आ जाते हैं, और यहूदी तो फिर उनके मतलब उनको पता ही है आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जन्मसिद्ध अधिकार वाले दुश्मन हैं। तो फवाद चौधरी ने ये बात बोली है और इस बात को लेकर इनका काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है। विरोध करने वाले उरिया मकबूल जान जैसे लोग हैं, आपको भी पता है कि वो तो एक्सट्रीम लेवल के मतलब क्या बोलूँ, मतलब उनको प्लेटेनियम मैं बोल सकता हूँ जिहाद का, उनको इतना मतलब वो तालिबान के भी बहुत ज़्यादा डाई हार्ड सपोर्टर हैं और वो केवल इस्लाम इस्लाम करते हैं, वो लोग काफ़ी नाराज़ हुए हैं। तो फवाद चौधरी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी सेंसिबल हुआ करते थे बिफोर ज्वाइनिंग पीटीआई, लेकिन पीटीआई ज्वाइन करने के बाद कभी कभी ये सेंसिबल बैन इनसे निकल जाते हैं और इस बार ये बैन उनसे निकला है। तो चलिए दोस्तों ये पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं और भी कुछ बात। आई और बहुत आई है, लेकिन स्कूल एंड कॉलेजेस का भी बड़ा किरदार है, और वो वजह है कि जो माजरा चाहता हूँ, 80s और 90s के जो जो टीचर्स थे, वो जिनको एक्सट्रीमिज्म पढ़ाई गई, जिनको ये सब बताया गया और उनको ये चीजें बताई गई, और जो ये अब सोसाइटी के अंदर इतनी कल्टीवेट हो चुकी है कि हमें इस चीज का अंदाजा भी नहीं रहता कि हम वाकई ही एक्सट्रीमिज्म की तरह, हम एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है ये। मिसाल के तौर पे एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से 2-3 साल पहले ये आया था कि तकरीबन पाकिस्तान में 25 मिलियन, यानी कि 2.5 करोड़ लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, सॉरी, वो स्कूलों में नहीं हैं। सो ये बहुत बड़ी तादाद है बच्चे और बच्चियों की, अभी तादाद बहुत ज्यादा होगी और COVID-19 की वजह से भी तो इससे ज्यादा हो गई होगी। तो अगर आप इमेजिन कर लें, अगर 3 से 4 करोड़ लोग, बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली एक तो वो तो है ही, उनको उनके पास क्या नया सोच है, कोई सोच नहीं होगी। इसी तरह 57% जो कहते हैं जी हमारा लिटरेसी रेट है, चले वो भी मान ले, लेकिन एक्चुअली जो लोग हायर एजुकेशन में आते हैं, जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, वो तो 10% है पाकिस्तान की सोसाइटी का। तो ये कैसे चीजें हो रही हैं, और एक्सट्रीमिज्म इतनी ज्यादा सोसाइटी में बढ़ रही है। इसमें से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि जिसे आप कह लेना कि ज्यादातर ये कहा जाता है कि जो बच्चों को तालीम है, जो सिलेबस है, वो उसके अंदर एक्सट्रीमिज्म। मिसाल के तौर पे एक प्रोफेसर हैं, राइटर हैं, डॉक्टर एस अकबर जैदी, उन्होंने कहा कि जी जो 1965 की वॉर है वो जो है वो इंडिया की जो है वो पाकिस्तान की विक्ट्री साबित की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वो कहते हैं कि ये आपने जैसे पंजाबी कहते हैं ना, कोट कोट के बालनों पे आता है तुसा, सो उनको पानी में घोल घोल के चीजें पिला दी हैं। एक और प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मदीहा अफजल, वो कहती हैं जी के जो पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स हैं वो जहाद को ग्लोरीफाई, आर्म्ड जहाद को ग्लोरीफाई करती हैं, और जो प्री पार्टीशन के से पहले जो जो आर्मी है, जो मजहब है, वो ग्लोरीफाई करता है मजहब के नाम पे जहाद और जंगों को जो ग्लोरीफाई करना है, उससे बहुत ज्यादा हालात जो है हमारे मुआशरे में अंदर बड़ी एक्सट्रीमिज्म है। इसी तरह एक और प्रोफेसर आयशा जलाल, उन्होंने कहा जी कि हमारे मुआशरे में जहाद अकबर, यानी कि अपने अंदर की ताकतों, बुरे इंसान को कैसे दबाना है और अच्छे इंसान को ऊपर लेके आना, उसके पे कम जो है वो दिया जाता है। अगर आपको याद हो कि सलमान तासीर को जो है वो शहीद कर दिया गया, पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गवर्नर थे, और उसके बाद क्या हुआ कि जब उनको कर दिया गया तो फिर उसके अगेंस्ट एक नई मूवमेंट शुरू हो गई पाकिस्तान में, कि जो जिन लोगों ने मारा, जिसने मारा, उसके हक में एक मूवमेंट शुरू हो गई, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही मारा गया है। सो इतने बड़े पैमाने पे अगर आप देखें कि ये चीज पाई जाती है हमारे मुआशरे में, कि अगर एक बंदे का कत्ल हो गया है तो लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर उस कत्ल के हक में बाहर निकले हैं, तो ये एक चैलेंज तो है मुआशरे के लिए कि ये
हमें कैसे बिहेव करना है और हमें कैसे बताना है इन चीजों को, और क्योंकि हमारा जो करिकुलम है, जो एजुकेशनल करिकुलम है, उसमें मसाइल हैं। और अभी रिसेंटली भी ये कहा गया है कि ये जो करिकुलम है इसमें ये चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो उनके अंदर थोड़ी सी जिसे आप कह लें कि इंतहा पसंदी जब आती है और हम इसको ठीक करने के भी तैयार नहीं है, और किसी पाकिस्तानी लीडर के अंदर भी करेज नहीं है कि वो इसके ऊपर बोल सके। और अगर इमरान खान साहब पावर में आए हैं तो ये एक वो कहा जा रहा है कि वो ज्यादा इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट बुक्स में कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी कर रहे हैं और चीजों में भी कर रहे हैं। सो ये एक चीज जो है, अब फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि जी ये मुआशरे ने रेक्टिफाई करना है, ये इस मुआशरे का काम होता है ठीक करे, लेकिन मुआशरा कैसे इसको ठीक करे, मुआशरे को क्या इस चीज का एहसास भी है कि इसको वाकई ठीक करना चाहिए? नहीं, इनको कोई एहसास नहीं है। अभी आपको मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान को अभी जब दहशतगर्दी की जंग थी तो कितने साल लगे अपने उलमा को कन्विंस करने में कि आप ये फतवा दें कि ये जो जो सुइसाइड बॉम्बिंग है ये फॉरबिडन है इस्लाम में, और उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है जी। और जब फिर उनके ऊपर खुद हमले होने शुरू हुए तो फिर उन्होंने जो है वो करना शुरू कर दिया। और फिर हमारी जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है जो उन्होंने बनाई हुई है, उन्होंने उनको भी बड़ा टाइम लगा इस चीज को समझने में कि ये ना हो। अब वो सारे का सारा जो स्टेट ने फिर ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ कि इनको फोर्स किया एक नेचुरल प्रोसेस के जरिए, हमारे जो इस्लामिस्ट हैं, जो मौलवी हजरात हैं, वो ठीक नहीं हुए, स्टेट ने उनको फोर्स किया कि ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है इसको एड्रेस करें, लेकिन वो नहीं एड्रेस करते थे। अब हमें आके ये बताया तो जाता है कि जी ये जो एक्सट्रीमिज्म है बहुत ज्यादा है हमारे मुआशरे में। अगर आपको याद हो तो एक लड़की थी नोरीन, उसका नाम था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उसने नोरीन लगारी, उसने दाइश ज्वाइन कर ली थी, ठीक है जी। और वो डॉक्टर बन रही थी और वो सिंध में एक मदरसे में डॉक्टर बन, उसकी एक मिसाल है। और उस वक्त मुझे याद है कि हमें बुलाया गया था बड़े टीचर्स को, फैकल्टी को। फिर अगर आपको याद हो, बड़े पुराने वाकयात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज की बात नहीं है, लेटेस्ट ये मैं कुछ इस तरह आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सफूरा गोल्ड का मैसेकर हुआ था जिसमें आई थिंक जो इस्माइली थे उनको बहुत ज्यादा मारा गया था, और वो जो जिन जो लोग उस सारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे थे वो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग थे, वो यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर लेवल के लोग थे, एक बड़े और अमेरिका से पढ़ के आए हुए थे, लेकिन अंदर इतना ज्यादा ये जो फीलिंग है कि अगर मैं अगले बंदे को मार दूंगा तो शायद मुझे जन्नत मिलेगी, और मैं अगर उसको खत्म कर दूंगा तो मुझे जन्नत मिल जाएगी, ये ऑब्वियसली ये जो पर्सपेक्टिव है ये बड़े डिस्टर्बिंग है एट टाइम्स, बिकॉज हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये बताना है कि ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ द लाइन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। ये काम अदालतों का है, ये इंडिविजुअल्स के काम नहीं है, ये इंडिविजुअल अपने हिस्से से नहीं कर सकते, अदालतें हैं, आइन है, ये उसका काम है कि ये वो काम करें, ना कि इंडिविजुअल खुद ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। अब रही बात पाकिस्तान के स्कूल में या पाकिस्तान के कॉलेजेस में हिंदूज और या अदर रिलीजन के बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें हमें ज़्यादा मतलब बहुत शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो नफरत के बुनियाद पर बना था। उसने मतलब उसकी टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या है? टू नेशन थ्योरी मतलब हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कौम, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, बेसिकली उनके यही तो टू नेशन थ्योरी है। और शोएब अख्तर ने हाल में ही बोला था, आई स्ट्रांगली बिलीव इन अ टू नेशन थ्योरी, आई स्ट्रांगली बिलीव इन अ टू नेशन थ्योरी, इस तरह का बयान उन्होंने आज तक पर दिया था। तो गाइज आप समझ सकते हो कि भाई अब उनकी बुक्स में ये पढ़ाया जा रहा है, उनके मतलब कॉलेजेस में ये पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें हमें कोई शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, ये है रियलिटी। और ऑब्वियसली वो इस तरीके का प्रमोट करेंगे जिससे उनके नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है वो भी उसी थ्योरी पर बिलीव करे। और गाइज आप